ओला डॉक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयद रमीजुल हसन रिज़वी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूं और मैं कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूं। और ये मेरे लिए एक एजाज की बात है कि कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर इस्लामाबाद का एक लीडिंग इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर है और मैं इसका एक पार्ट हूँ और इसके साथ एफिलिएटेड हूँ। अब बगैर मैं अपने व्यूअर्स का वक्त जाया किए कुछ एहतियाती तदाबीर दांतों के हवाले से और ओरल कैविटी के हवाले से बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि स्टेन्स क्या हैं। स्टेन्स कुछ दाग धब्बे हैं और इनका इलाज इसलिए जरूरी है और इनकी सफाई इसलिए जरूरी है, जिस तरह हम आम फहम लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो जिस तरह हम अपने सफेद कपड़ों पे कोई दाग और धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह दांतों पे भी नहीं करना चाहिए। वजूहात बहुत सी हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आप कहेंगे कि आपके ये फिजी ड्रिंक्स हैं, कॉफी है, टी है, स्मोकर्स हैं, तो इनको अब जैसे स्मोकर्स को मैं ये नहीं कह सकता कि वो स्मोकिंग को कम करें, वैसे तो ये एक स्लो पॉइजन है, इसे रोकना चाहिए, लेकिन हम स्मोकर्स को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एहतियात करें। ठीक है, सेकेंडली इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिगर की गर्मी की वजह से, जब आपका फ्लूइड जो है जिसको हम GERD भी कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसकी वजह से कुछ खट्टा सा पानी जो मुंह में आता है वो भी आपके इनेमल को डिस्टॉर्ट करता है, रप्चर करता है, वियर ऑफ करता है, जिसकी वजह से येलोइशनेस हो जाती है। कुछ फैक्टर्स ये होते हैं जिस तरह आपके एरिया के वाटर कंटेंट में फ्लोराइड कितना है। ठीक है, फ्लोराइड येलोइशनेस लेके आता है और इनेमल को टियर ऑफ करता है। ये कुछ जनरलाइज चीजें थी। एक और चीज मैं आपसे ये कहता चलूं अपने व्यूअर्स को कि जो ओरल कैविटी है उसकी सफाई का ख्याल बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हाउस ऑफ ऑल डिजीज इसको हम कहते हैं। जो भी आपने खाना है, जो भी पीना है, वो आपकी ओरल कैविटी से होकर गुजरना है। अगर आपकी ओरल कैविटी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप जनरली आपकी हेल्थ जो है वो डिजास्टर की तरफ चले जाएगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल के दौर के लिए है वो कोविड की कुछ ओरल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं जो टंग पे देखी जा सकती हैं, क्रैक्स टाइप आ रहे हैं, जो अभी जो यूके का वेव आया है उसमें ये देखा गया है ओरल मैनिफेस्टेशन में। सेकेंडली ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर गाइड करूंगा कि आजकल एहतियात करें। ठीक है, मास्क अपना जरूर लगाएं। ठीक है, हमें इस चीज को अपने अंदर से निकालना है कि कोविड है या नहीं है। देयर इज ए वायरस और वो जरूर मौजूद है हमारे इस एनवायरनमेंट में, तो हमें एहतियात करनी है। सिर्फ अपने लिए एहतियात नहीं करनी, अपने प्यारों के लिए करनी है, अपने बच्चों के लिए करनी है, अपने बुजुर्गों के लिए करनी है, क्योंकि यंगस्टर्स फिर भी किसी हद तक इस वायरस को सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसको सर्वाइव नहीं करते। तो हमें कम से कम एक डिसिप्लिन्ड कौम की तरह, एक एजुकेटेड माशरे की तरह अपना किरदार अदा करना है, हर बंदे को इंडिविजुअली। ये नहीं है कि कोई हुक्मरान इस पे सख्ती करे या कोई हुक्मरान ही लागू करे हम पे तो हम इसको मानेंगे। ये हमें अपनी इंडिविजुअल तौर पे डिसिप्लिन दिखाना है और इंडिविजुअल तौर पे अपनी एक शहरी होने की जिम्मेदारी निभानी है। शुक्रिया।